हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, आज फिर से हम आपके लिए एक बहुत अच्छी वीडियो लेके आए हैं जो है कि है बाइनरी टू डेसिमल। जी, हम एक बाइनरी नंबर को जो कि डॉट में है उसे डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करें। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को एंड तक जो है वो देखें, क्योंकि एक बंदे ने मेरे को कमेंट करके क्वेश्चन पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको भी शायद इसके बारे में पता हो या ना पता हो, लेकिन आज आपको भी इसके बारे में पता चल जाएगा। तो दोस्तों, इस टाइप के जो क्वेश्चन है ना, उसका आंसर आपको पता होना चाहिए। और बेसिकली उन्होंने बहुत ही अच्छा मेरे से क्वेश्चन पुटअप किया है, जिसका आंसर मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो है, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप यूट्यूब पर जाएं और यहाँ पर हमारा नाम सर्च करें, रोहित स्पेस सानू स्पेस नेटवर्किंग, और हमारे चैनल को आज ही जो है वो सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आपके पास तक सबसे पहले पहुँचें और आप अपने नॉलेज को इंक्रीज कर सकें। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने क्वेश्चन पर, जो कि हमने यहाँ पर नोट पैड में जो है वैसे ओपन लिखा हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है वो हमारे एक बाइनरी नंबर सिस्टम है, जिसको हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम में हमने कन्वर्ट किया। और जैसे कि हमने आपको बताया कि यहाँ पर हमसे जो एक क्वेश्चन पूछा गया है, जिसका आंसर हम इस वीडियो में आपको देंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है, जैसे कि हमें पता है जी भाई, ये हमारा बाइनरी है, तो इसका जो बेस है ना वो 2 होता है, और हमें इसे कन्वर्ट करना है हेक्सा डेसिमल में। तो हेक्सा डेसिमल का जो बेस है वो 16 होता है। तो यहाँ पर हमने दो क्वेश्चन लिए हैं, और यहाँ पर जो है वो दोनों में ही डॉट है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ जी, हेक्सा वो डेसिमल जो बाइनरी जो है, बाइनरी का जो बेस है वो 2 होता है। बाइनरी के अंदर ओनली 0 और 1 नाम की दो ही डिजिट्स होती हैं। इसी तरीके से दोस्तों, हेक्सा डेसिमल में जो है वो 0 से लेके जो है वो एफ तक की डिजिट्स होती हैं। तो दोस्तों, 0 से लेके एफ तक का मतलब क्या है? दोस्तों, यहाँ पर जो है वो 0 से लेके 9 तक जो है वो नॉर्मल होता है, लेकिन 9 के बाद जो है दोस्तों, वो यहाँ पर हमारे पास ए आता है। ए के बाद दोस्तों हमारे पास बी होता है, फिर हमारे पास सी होता है, फिर हमारे पास डी होता है, फिर हमारे पास दोस्तों ई होता है, और फिर हमारे पास फाइनली एफ होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर क्या है जी, जो 10 है उसको ए बोला गया है, जो 11 है उसको बी बोला गया है, जो 12 है उसको सी बोला गया है, जो हमारा 13 है उसको डी बोला गया है, जो हमारा 14 है उसको ई बोला गया, और फाइनली जो हमारा 15 है उसको जो है वो एफ बोला गया है। तो देखा जाए तो दोस्तों, यहाँ पर जो है वो 0 से लेके एफ तक की जो है वो डिजिट्स होती हैं। ऐसा क्यों? दोस्तों, अगर आपने लिखा 14, तो कंप्यूटर इसको 14 पढ़ेगा या 14 पढ़ेगा? तो दोस्तों, कंप्यूटर हमेशा जो है वो सिंगल डिजिट पे वर्क करता है, और वो है आपका 14। तो कंप्यूटर इसको 14 पढ़ेगा, ना कि 14। अगर आपको कंप्यूटर को 14 कहना है, तो उसकी जगह आप ई लिखेंगे, तो अब कंप्यूटर इसको 14 पढ़ेगा। तो इसलिए यहाँ पर जो है वो दोस्तों, यहाँ पर कुछ इस तरीके से ए बी सी को जो है वो यूज किया गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि हमें इसे जो है वो 16 में कैसे कन्वर्ट करेंगे, मतलब कि हेक्सा डेसिमल में कैसे कन्वर्ट हम इसको करेंगे। तो दोस्तों, इसके लिए हम एक फॉर्मूले का यूज करेंगे, जो कि हमारे पास फॉर्मूला है 8 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1। अब दोस्तों, अगर हम इन्हें सम करें, तो इनका जो सम है ना वो 15 आएगा, 15 आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जी, 8 प्लस 4 12, तो 14 और 1 15। तो आप देख सकते हैं जी, इन ये 4 डिजिट हैं यहाँ पर, और 4 डिजिट्स का जो सम आया है वो 15 15 आया, मतलब कि यहाँ पर हमारे पास एफ आया है। तो दोस्तों, हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया था, वो अब मैं आपको थोड़ी देर में ही उसको आपके सामने लाने वाला हूँ। अब दोस्तों, इस क्वेश्चन को जब हमें सॉल्व करना है, तो एक्चुअल में करना क्या है कि हमें डॉट से जो है पहले राइट वाले जो है पार्ट्स को जो है वो लेना है और उसे सॉल्व करना है। तो दोस्तों, हमसे यहाँ पर ये पूछा गया था कि सर, हम राइट वाला ही पहले क्यों लेंगे, हम राइट से ही क्यों स्टार्ट करेंगे? तो दोस्तों, इसका रीज़न मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है आपने क्या करना है, पहले 4 डिजिट्स, यहाँ पर 4 डिजिट्स हैं, तो आपको 4 4 डिजिट्स के जो है ना वो पेयर बना लेने हैं। तो यहाँ पर दोस्तों, मैं 4 4 डिजिट्स के ये पेयर बना लेता हूँ, और इस पेयर को उठा के यहाँ रखता हूँ। पहले मेरे पास 1 है, फिर 1 है, फिर 0 है, और फिर 0 है। अब दोस्तों, यहाँ पर मेरे को करना क्या है जी भाई, यहाँ पर जो है वो मेरे को जिन जिन के नीचे 1 है, उनकी वैल्यू को आपस में सम कर देना है। तो मेरे पास 8 के नीचे 1 है, 4 के नीचे 1 है, और सब 0 0 है, तो मेरे को 8 प्लस 4 जो है वो सम कर देने हैं दोनों, तो यहाँ पर आ जाएगा 12। तो इसका मतलब दोस्तों, यहाँ पर 12 का मतलब होता है सी। तो इसका जो आंसर आया वो मेरा आया सी। तो यहाँ पर जो है आप देखें, तो इनका जो आंसर आया वो दोस्तों आया सी। अब इसी तरीके से दोस्तों, यहाँ पर अब मेरे पास तो सिंगल डिजिट बची, तो दोस्तों यहाँ पर जो है वो मैं क्या करूँगा, अगर मेरे पास कम डिजिट्स बचती हैं, तो उतनी 0 जो है वो मैं आगे ऐड कर लूँगा। तो 3 डिजिट्स मेरे पास कम पड़ रही थी, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, 3 जो है वो 0 ऐड मैंने यहाँ पर कर लिए। तो दोस्तों, मेरे से यही पूछा गया था जी, सर हम राइट हैंड साइड से ही क्यों चलेंगे?
तो दोस्तों इसका रीज़न ये है जी, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये 10 रुपीज़ हैं, अगर मैं इसके पीछे यहाँ पर जीरो लगा देता हूँ तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, 100 हो जाएगी। अगर दोस्तों मैं इसके आगे जीरो लगाता हूँ तो इसकी जो वैल्यू है ना वो 10 ही रहेगी। इसलिए दोस्तों मैंने राइट हैंड साइड से स्टार्ट किया ताकि इसकी जो वैल्यू है वो चेंज ना हो, क्योंकि अगर हमें यहाँ पर डिजिट्स कम पड़ती हैं तो हम आगे जीरो ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आएगा, जो राइट आंसर है वही हमारा निकल के आएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मैं इसे यहाँ पर रख देता हूँ, तो मेरे पास है 0 0 0 और फिर है 1। अब आप दोस्तों देखेंगे जी ओनली जो है ना 1 के नीचे ही 1 है, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 1। तो दोस्तों इसका जो हमारे पास आंसर आया वो आया 1। ठीक है, अब दोस्तों इसी तरीके से हम डॉट से जो है वो लेफ्ट वाले पोर्शन को जो है वो हम सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर भी हमें 4 का ही पेयर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर अगर दोस्तों 4 का पेयर नहीं है तो हम क्या करेंगे, इनके इधर राइट हैंड साइड में क्या करेंगे, जितने डिजिट्स कम हैं उनको हम जीरो लगा लेंगे। तो दोस्तों इनके पीछे जीरो लगाएंगे ना कि आगे, ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पर 1 1 और 0 0। अब यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे जी भाई 8 और 4 के नीचे 1 1 है, तो दोस्तों 8 प्लस 4 मेरा हो गया 12, और इसका जो 12 का मतलब है वो है मेरा सी। तो दोस्तों इसकी जो वैल्यू आई वो आई सी। अब आप दोस्तों मैं यहाँ पे आपको आंसर दिखाता हूँ, तो यहाँ पर मेरा है पहले है 1, ये 1 है, फिर उसके बाद सी है, फिर मेरा यहाँ पर जो है वो एक डॉट है, एक डॉट लगा हुआ है ये, फिर दोस्तों मेरे पास कितना है सी है, और ये मैंने किस में कन्वर्ट किया है, हेक्साडेसिमल में। तो चलिए दोस्तों इसे मैं आपको आंसर को वेरीफाई करके दिखाता हूँ। तो इसके लिए दोस्तों मेरे को इंटरनेट पे जाना होगा, और यहाँ पर हमारे पास एक कैलकुलेटर है और जिसका नाम है हमारा रैपिड टेबल्स, यहाँ पर जाके आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, नॉर्मल आपके जो कैलकुलेटर से ये कन्वर्ट नहीं होगा। तो यहाँ पर जो है दोस्तों हमने क्या करना है, यहाँ पर अपने नंबर्स लिखने हैं, तो हमारे हैं 1 1 1 0 0, तो 1111 है, फिर 00 है, फिर डॉट है, फिर 1 1 है, और दोस्तों यहाँ से सेलेक्ट कर लेना एक बाइनरी नंबर है, कन्वर्ट किस में कर रहे हैं हेक्जा में, और यहाँ से कन्वर्ट का बटन दबा देंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारे पास आंसर आया 1C.C, और आप हमारा आंसर भी देख सकते हैं 1C.C। तो दोस्तों इस तरीके से जो है मैंने आपको दिखाया कि हमारा जो आंसर आया वो एकदम बिल्कुल राइट आंसर आया, जो कि यहाँ पर ये दिखा रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से आप ऑनलाइन कैलकुलेटर को ओपन करके जो है वो इस क्वेश्चन के आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं। बेसिकली दोस्तों अगर आप हमारे इस मेथड को फॉलो करते हैं तो आपके पास कैलकुलेटर हो ना हो आपका आंसर बिल्कुल राइट आएगा। ठीक है, आपका आंसर कभी रॉन्ग नहीं हो सकता है, तो ये सबसे इजी मेथड है, आप हमेशा इसी मेथड को जो है वो फॉलो करें, या जो मेथड आपको अच्छा लगे आप वो मेथड जो है फॉलो करें। तो दोस्तों इसी तरीके से हमने यहाँ पर ये नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आप जो है वो इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और इसका जो आंसर है वो हमें कमेंट में बताएं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।